वेलकम गाइस, फ्लैगशिप जनरेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, रेडमी 8 के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जो रेडमी 8 है उसका एक नया अपडेट आ चुका है। देखो, रेडमी 8 मेरा मोबाइल का नाम भी दिखा रहा है, डिवाइस मॉडल। बाकी MIUI वर्जन भी आप देख सकते हो, 11.0.11 का है। बाकी अभी जो नया अपडेट आया है उसको मैं दिखा देता हूँ। तो ये आप देख रहे हो 11.0.12.0 का अपडेट है, जिसको कि मैंने अपडेट कर लिया। अब करने के बाद कुछ ये सब फीचर्स मुझे मिल जाते हैं, ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव सिस्टम सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें मुझे मिल जाती है इस अपडेट के साथ। भाई एक मैं बात बता दूँ, रेडमी 8 है वो अपने यूज़र्स के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि यूज़र्स को परेशान नहीं होने दे रहा है। वो अपडेट लगभग कंटिन्यूसली अपडेट भेजता ही जा रहा है। जो ये मेरे पास जो रेडमी 8 है उसमें कंटिन्यूसली अपडेट आ ही रहे हैं, कि एक बार भी ऐसा चांस नहीं हुआ कि अपडेट थोड़ा लेट आया। अपडेट कंटिन्यूसली आते जा रहे हैं। तो एक और अपडेट आ गया जो कि मैं आपको रिव्यू बताने वाला हूँ इस अपडेट का, तो वीडियो पूरा देखना यार। और मेरे अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल पे नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। और नोटिफिकेशन बेल कैसे ऑन होगा? सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल ऑन करने से जो भी रेडमी 8 के बारे में या MIUI के बारे में जो भी मेरी नई वीडियो आने वाली है वो आपको ऊपर नोटिफिकेशन में दिखा देगी, यानी इस बंदे ने वीडियो बनाई है। तो नोटिफिकेशन बेल कैसे ऑन होगा? सब्सक्राइब करने से। सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। तो अब मैं रिबूट कर लेता हूँ। रिबूट करने के बाद बताता हूँ क्या कुछ मिलता है इसमें। जल्दी से रिबूट करते हैं गाइस। अब जो भी है मोबाइल अपडेट हो चुका है। सिंपली मैंने ऑन किया था मोबाइल को, जैसे ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद कुछ अलग तो नोटिस नहीं किया मैंने, जैसा कि आप देख सकते हो। मैं दिखाता हूँ, मैसेजेस आए, नोटिफिकेशन बहुत सारे आ गए। बाकी अबाउट फोन पे जाता हूँ तो मैं देखो अपडेट हो चुका है, 11.0.12.0 का अपडेट हो चुका है। MIUI नो नीड टू ऑलरेडी डेवलपर। बाकी डिवाइस मॉडल रेडमी 8 सिस्टम अपडेट पे जाके दिखाया था हूँ आपको, शायद कोई अपडेट नहीं आया। टाइम दे रहा, थोड़ा बैक जाके दोबारा करता हूँ। देखो नो अपडेट अवेलेबल दिखा रहा है, यानी लेटेस्ट अपडेट है ये हमारा। गाइस, इसमें कुछ खास फीचर तो देखने को नहीं मिले, खास क्या मुझे कोई भी फीचर देखने को नहीं मिले। बट मुझे एक गुड न्यूज़ मिली है यूट्यूबर्स के लिए। मैं कंफर्म नहीं हूँ कि वो अपडेट के बाद फीचर मिला या अपडेट से पहले मिला था, इसलिए मैं एक बार शो कर बताना चाहता हूँ आपको। वो जो फ़ीचर है वो यूट्यूबर्स के लिए है। यूट्यूबर्स बहुत खुश होने वाले हैं फ़ीचर सुन के, क्योंकि ये जनरली यूट्यूबर्स को ही काम आएगी। अगर आप एक यूट्यूबर हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये रेडमी का है, ये MI का रेडमी 8 का इनबिल्ट कैमरा, ठीक है। इनबिल्ट कैमरा है तो यानी अगर आप वीडियो बनाते हैं तो मिनिमम मैं जानता हूँ ओपन कैमरे से बनाते होंगे, क्योंकि जो अपना एक्सटर्नल माइक है वो ओपन कैमरे में ही सपोर्ट करता है, अपने इनबिल्ट कैमरे में सपोर्ट नहीं करता। बट ये जो अपना रेडमी 8 है इसमें फीचर आ गया कि इनबिल्ट कैमरे में आपका एक्सटर्नल माइक सपोर्ट कर जाएगा। हाँ, इन सपोर्ट कर जाएगा इनबिल्ट कैमरे में। तो ये अच्छी बात आ गई है हमारे लिए, यूट्यूबर्स के लिए। आप यूट्यूबर्स हैं तो आपको काम आएंगे, हम यूट्यूबर्स हैं तो हमारे काम आएंगे। लेकिन जिसके पास रेडमी 8 है, बट और भी फ़ोन में भी ये फीचर है, बट मैं आपको बता दूंगा कौन से फ़ोन में, उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। मेरे को कमेंट करना चाहूँ किस किस को चाहिए वैसी वीडियोस, तो मैं बनाऊंगा जरूर, किस किस के मोबाइल में एक्सटर्नल माइक सपोर्ट करता है इनबिल्ट कैमरे में। बाकी रेडमी 8 में ये फीचर मिल गया। अब ये अपडेट से पहले मिला कि अपडेट के बाद, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने पहले चेक नहीं किया था, मैंने अभी ये नोटिस किया। तो आप देख रहे हैं कि अपडेट मिल गया, बट इसमें मैं दिखाऊं आपको, कोई भी सेटिंग्स नहीं मिलती है हमें ये इसके बारे में कि एक्सटर्नल माइक यूज़ करना है, कि कोई सेटिंग्स मिलती नहीं है हमें। बट ये तभी भी अगर आप इसमें एक्सटर्नल माइक बोया का चाहे कोई भी माइक यूज़ कर रहे हो, अगर इसमें आप कनेक्ट करके वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो आपका जो आवाज़ होगी, जो साउंड होगी, वो डायरेक्ट एक्सटर्नल माइक से आएगी, मतलब बोया माइक से आएगी, अगर बोया माइक से रिकॉर्ड करते हो तो ये अच्छी बात है यूट्यूबर्स के लिए। भाई वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है, मिलते हैं अगली अपनी वीडियो पे।